हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था कि क्लोज सिस्टम में वर्क डन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला आया था W बराबर P इंटू DV, तो आज हम देखते हैं कि ये किस कंडीशन में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए इसको यूज करने के लिए ऐसा नहीं कोई भी सिस्टम हो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज सिस्टम होगा तभी ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। दूसरा है वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब वर्क जो हो रहा होगा वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है, अन्यथा जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल होगा। चौथा पॉइंट, द प्रोसेस एज वेरी वेरी स्लो, अगर कोई भी प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा हो, बहुत स्लो से घटित हो रहा हो, वो प्रोसेस कहा जाता है दैट एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखिए क्वासी मीन्स क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो, स्टैटिक मीन्स होता है, और ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या होगा, लगभग शून्य, और स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्थिर। कहने का मतलब ये है कि पसी स्टैटिक प्रोसेस वो होता है कि जो जो प्रोसेस हो रहा हो, जो प्रोसेस चल रहा हो, वेरी वेरी स्लो, लगभग शून्य के कह सकते हैं कि वो स्थिर के बराबर होगा, ठीक है। तो जब कोई प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा होगा, ठीक है, तो यही हमारा कंडीशन आ जाता है किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए सब हैं अलग अलग पॉइंट, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। तो ये रहा, हम लोगों ने देखा कि किस कंडीशन में W बराबर P इंटू DV हम यूज करें, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं आगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है, इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बिना इसके हम जो थर्मोडायनेमिक न्यूमेरिकल करेंगे तो गलत होने का चांस बहुत रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एक बनाएंगे, जैसे हमने कहा यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी, और इधर है हमारा साइन, और इधर है कंडीशन। अभी देखिए हम लोग जो लिख रहे हैं अभी देखते हैं, बहुत आराम से समझ में आएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो पहला केस है, क्वांटिटी है हमने लिया डेल्टा क्यू, ठीक है। अब ये डेल्टा क्यू है क्या, हीट सिस्टम में हीट सप्लाई हो भी सकता है, सिस्टम से हीट निकाला भी जा सकता है, तो है ये, अगर दिक्कत हो रही तो आप लिख लीजिए, ये है हमारा हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब इसके लिए दो कंडीशन, एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा। अब प्लस अगर है तो कंडीशन यहीं पर लिखना है कि प्लस अगर है तो हीट क्या, डेल्टा क्यू क्या हो रहा होगा, मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब अगर हीट ट्रांसफ़र हमने कैलकुलेट किया आ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि जो हीट है वो सप्लाई किया जा रहा है किसमें, सिस्टम में, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट निकाला जा रहा होगा। ये हमने क्वांटिटी कौन सी लिया, हीट डेल्टा के। दूसरा क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन लगा देंगे, या प्लस होगा या माइनस होगा। अगर प्लस है तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा अगर कार्य किया जा रहा है तो हम लोग वर्क वो जो सिंबल होगा हम प्लस यूज करेंगे, अगर सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है तो हम लोग यूज करेंगे माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य, सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा होगा तो माइनस, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा होगा तो प्लस। ये साइन कन्वेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो साइन कन्वेंशन हम लोग याद रखिएगा, इनको हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग होगा तब ये इम्पॉर्टेंट इसका समझ में आएगा हमको कि इसका जो साइन कन्वेंशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर एकदम सही रहेगा, बस ये होगा कि डेल्टा डब्ल्यू आपने कैलकुलेट किया, एक आया 100 जूल और एक आंसर है, ये है। पहले हमने कहा कि हमने कैलकुलेट के लिए -100 जूल, अब किसी कारण बस हमने साइन कन्वेंशन गलत ले लिया तो -100 जूल आ रहा है, जबकि आंसर हो सकता है 100 जूल सही हो रहा है। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख चुके हैं, अब इसका एप्लीकेशन होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग यहीं बंद करते हैं। अब ये हम लोगों ने क्या देखा, क्लोज सिस्टम में कितना वर्क डन होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसका एप्लीकेशन आगे होगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।